हाय फ्रेंड्स, डीके दिस साइड। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कोटक बैंक के शेयर पर, और केवल ये चर्चा टेक्निकल एनालिसिस तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी। हम इसमें आज दोस्तों कोटक बैंक शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसे जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद दोस्तों इसकी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस प्राइस चार्ट के ऊपर में कोटक बैंक शेयर के। और उसके बाद एनालिसिस की जो इनपुट्स आएगी उसके आधार पर एक प्रिसाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने की चेष्टा करेंगे, और साथ में दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कि अगर हमने इस स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी बनाई और 10,000 रुपए का रिस्क लिया तो क्या मैं 30,000 रुपए कमा सकता हूं। इन संभावनाओं को तलाशेंगे दोस्तों। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने की दिशा में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट चर्चा की शुरुआत करते हैं, और फाइनली दोस्तों अंत में एनालिसिस करने के बाद कोटक बैंक शेयर की इन्वेस्टमेंट करने की प्रिसाइज स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे। कोटक बैंक शेयर के अगर लेटेस्ट न्यूज के ऊपर में नजर डालें दोस्तों, तो इसका Q2 का रिजल्ट जो आया है बहुत ही रोबस्ट आया है, खास करके नेट इंटरेस्ट इनकम में एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देखी गई है, और इसका नेट प्रॉफिट 27% से बढ़कर 2,581 करोड़ का हो गया है दोस्तों। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत बिल पे से एक पार्टनरशिप की है ताकि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स की सुविधा को वो प्रोवाइड कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटअवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और पहले कोटक बैंक शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट को करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब हम कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक की मंथली प्राइस चार्ट में सबसे पहले एनालिसिस करेंगे ताकि हम टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट कर सकें। अब दोस्तों, टॉप डाउन अप्रोच हम आपके इस चैनल पे क्यों अडॉप्ट करते हैं? ऑब्वियसली दोस्तों, बिकॉज प्राइस एक्शन को समझने में मदद मिलती है और बेहतर एक्यूरेसी आती है। अगर आप इस चैनल को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितनी एनालिसिस की जाती है तो एक्यूरेसी रेट काफी अच्छी आती है निकल के, और इसी कारण से इस अप्रोच को मैं जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें एडवाइस करना चाहूंगा कि हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस मेथड को अडॉप्ट करें। अब यहां पर आप देखिए, एक बेहतरीन हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। 2020 के बेयर मार्केट के दौरान एक मासिव गिरावट देखी गई, प्राइस ने EMA 55 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और डबल बॉटम का अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2020 में। सब्सटेंशियल वॉल्यूम में राइज देखा गया, एवरेज वॉल्यूम से कई गुना वॉल्यूम अधिक था। अब रिसेंट टाइम में क्या हुआ दोस्तों कि इस डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद एक करेक्शन की शुरुआत हुई। तो हम पहले तो ये समझेंगे कि करेक्शन की शुरुआत हुई क्यों। नंबर टू, यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस में पिछले कई महीनों से, जनवरी 2022 से अगर हम देखें तो लार्ज अपर शैडो का कैंडल में फॉर्मेशन है, तो प्राइस बार बार इस जोन में रिजेक्शन दिखा रही है। तो जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इन बातों का मुख्यतः हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि तो प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है तो प्रिसाइज एंट्री को तय करने के लिए इन बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब रीसेंट टाइम में पिछले 3 महीने से देखें, अगर रादर 4 महीने से, तो प्राइस कंटिन्यूअसली EMA 21 के ऊपर में क्लोज हो रही है। तो मैं कुछ ड्राइंग को आप सुपर इम्पोज करता हूं। सबसे पहले नजर डालें इस ट्रेंड लाइन पे, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, वंस अगेन प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रही है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है फरवरी 2016 से एक
डायनेमिक सपोर्ट के रूप में ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। तो एक बात तो तय हो गई कि आने वाले समय में ये ट्रेंड लाइन की संभावना है कि ये ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करेगी और ये एक अच्छी रेफरेंस लाइन हो सकती है, खास करके अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू लेना चाहते हैं कोटक बैंक शेयर के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के अनुसार। दोस्तों अब यहां पर देखिए डबल बॉटम का यहां फॉर्मेशन हुआ 2020 के बेयर मार्केट के बाद, यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर इसके टारगेट को निकाल के प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली इसका टारगेट जो आ रहा था 2236 का, उसे प्राइस ने अचीव किया और अक्टूबर 2021 में एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, अगर हम ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट में तो टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना एक बार अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बाद करेक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उस कारण से क्या होगा कि अगर हम इसको लेके बैठे रहेंगे तो होता क्या है कि हम एक एक्सपेक्टेटर बन जाते हैं, एक मूक दर्शक बन जाते हैं और प्राइस में अगर लॉस नहीं भी हुआ बहुत अधिक तो कई बार हमारा कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब देखिए यहां पर करेक्शन की समाप्ति के बाद में जब यहाँ प्राइस में मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, प्राइस ने यहाँ पहले भी सपोर्ट लिया था, प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और प्राइस ईएमए 21 पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है पिछले 4 महीने से। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब ये ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा तो अगला पॉसिबल टारगेट 100% एक्सपांशन का होगा जो आता है 2684। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पे ताकि इस एनालिसिस को आगे बढ़ा सके। हम यहां देख सकते हैं मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है और प्राइस काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड हो रही है और ये रेंज में जो ट्रेड हो रही है एक ब्रॉडर रेंज है, 1650 से लेके 1950 का एक रेंज है जिसके तहत ये प्राइस ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर को देखें, रीसेंट टाइम में एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि एक गोल्डन रेशियो है और उसके बाद में बाइंग आ रही है। क्या हम और कुछ प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं? देखिए प्राइस ने 3 वीक्स तक कंसोलिडेट किया एक जोन में और इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर प्राइस आई 17 अक्टूबर वाले वीक में दोस्तों, और वॉल्यूम में इंक्रीज देखा गया। इसके बाद ये थ्रोबैक जो हो रहा है तो नेचुरली ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया बन के आ गया है जहां प्राइस ने 3 वीक्स तक कंसोलिडेट किया और इसे मल्टीपल सपोर्ट मिलेगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल का, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का और उसके पहले दोस्तों ईएमए 21, ईएमए 55, तो सेवरल कॉन्फ्लुएंस यहां पर है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि एक सपोर्ट के पास में ये ट्रेड हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पर, जहां पर हम अपने प्राइस एक्शन को फर्दर फाइन ट्यून करेंगे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने की चेष्टा करेंगे। अब दोस्तों यहां पर हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं कि जब हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं 25 अक्टूबर 2022 को, तो प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और ये 2.4% की गिरावट के साथ में ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए ये जो कंसोलिडेशन बैंड है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे खींचता हूं, इस जगह पे ध्यान से देखें तो मल्टीपल सपोर्ट है, एसएमए 144, एसएमए 233, ईएमए 21, ईएमए 55। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन के इस स्टॉक में निकल के आता है। अब जैसे हमने चर्चा की कि प्राइस में प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट को देखें पॉइंट ऑफ रिजेक्शन से, तो हाईएस्ट पॉइंट निकल के आता है 15 सितंबर को, इसने हाई बनाया था 1987.2 का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को, रिजेक्शन पॉइंट को हम एक रेफरेंस बनाएंगे और यहां पर हम बाई ऑर्डर डालेंगे और ये बाई ऑर्डर क्या होगा, उससे ऊपर होगा तो हमारी बाई प्राइस हो जाएगी 1988। अब ये 1988 हमने बाई लिमिट स्टॉप ऑर्डर हमें डालना है यहां पर। अब यहां पर हम स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस दोस्तों रहेगा समवेयर अराउंड इस जोन में, आप ध्यान से देखें। तो अगर इसका लेवल टूट जाता है तो ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होगा। तो जैसे ही हमारी ये एंट्री ट्रिगर होती है तो पहले से हमें डिसाइड करना है कि हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा कहाँ,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करूंगा। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, और ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो गैप था, प्राइस ने यहाँ फिल कर लिया है गैप, लेकिन अभी भी एक गैप जो है जो क्रिएट हुआ था 14 अक्टूबर 2022 को, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू ले रहे हैं इस स्टॉक में, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा सा कुशन देके, वैसे 1758 का स्टॉप लॉस इनफ होना चाहिए, लेकिन मैं इनिशियल स्टॉप लॉस जो है 1750 पे फिक्स करने की कोशिश करूंगा। और ये इस कारण से मैं फिक्स कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो गैप है इसके नीचे कुशन रखते हुए, और ये स्टॉप लॉस हमारे सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे भी आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं। 1988 में से 1750 को हम माइनस करेंगे, ये हमारा रिस्क हो गया पर शेयर। अब टारगेट हमने देखा दोस्तों, मंथली प्राइस चार्ट में जो निकल के आ रहा है, तो मंथली प्राइस चार्ट में 1 मिनट के लिए और चलते हैं, इस टारगेट को भी इस चार्ट पे मार्क कर देते हैं। तो इसका जो टारगेट है 100% एक्सपांशन वाला, वो निकल के आ रहा है 2600, तो टारगेट हम मार्क कर देते हैं 2684 बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड वेव एनालिसिस। तो ये हो गया, हम यहाँ रिस्क ले रहे हैं और इतना हमें पोटेंशियल प्रॉफिट होने की संभावना है, यहाँ एंटर करेंगे, अगर ये प्रॉफिट हिट होता है तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्रिसाइज हमने स्ट्रेटजी तो बना ली कि हमारा प्रिसाइज एंट्री प्राइस क्या होगी, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, और किस पोटेंशियल टारगेट पे जाने के बाद में हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो हम एक चीज इसमें और फर्दर कर सकते हैं। ये जो पहला टारगेट इसने अचीव किया था 2236 का, अगर कोई भी कैंडल 2236 पे चली जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा, यहां पर देखिए ये मल्टीपल रिजेक्शन था, ये सपोर्ट बन चुका रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल से 1 ATR नीचे आ जाएगा। उस समय हम ATR की वैल्यू चेक कर लेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस तो 1750 है, लेकिन स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर देंगे, और उस समय पे स्टॉप लॉस जो आएगा दोस्तों, हम एक चीज इंश्योर कर लेंगे कि अब हमें इसमें लॉस नहीं होगा, और होगा तो प्रॉफिट होगा, ये नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से अगर हम 10,000 रुपए का रिस्क लें इस स्टॉक में तो क्या संभावनाएं बनती हैं, कितना पोटेंशियल प्रॉफिट होने की संभावना है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब कोटक बैंक शेयर की टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर हमने फिक्स कर लिया कि किस प्रिसाइज प्राइस पे हम बाई करने के लिए GTT ऑर्डर क्रिएट करेंगे, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा। तो हम 238 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं पर शेयर। तो अगर हम 10,000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी बाई करनी होगी, तो 10,000 डिवाइडेड बाई रिस्क पर शेयर 238 रुपीज क्वांटिटी आती है, 42 शेयर्स हम इसके बाई करेंगे अगर हम 10,000 रुपए का इसमें रिस्क लेना चाहते हैं। और हमारा टारगेट हमने कैलकुलेट किया 2684, तो हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट क्या होगा, टारगेट में से अगर बाई प्राइस को माइनस कर देंगे तो 696 का हमारा जो प्रॉफिट होगा पर शेयर के हिसाब से, तो हमारा लाइकली प्रॉफिट क्या होगा, तो 696 पर शेयर प्रॉफिट है, 42 शेयर हम खरीद रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट होगा 29,232 रुपीज, जो 35% हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा दोस्तों। और जो हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा वो 1:2.92 मिलेगा, करीब 1:3 के करीब मिलेगा। तो दोस्तों ये एक प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। अब दो ही बातें होंगी इसके बारे में, तो कोई भी एनालिस्ट नहीं बता सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें 10,000 रुपए का नुकसान होगा, टारगेट हिट होगा तो हमें 29,232 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर एक बार प्राइस पहले टारगेट पे पहुंच गई, जिसमें हमने एंट्री करने के पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी स्ट्रेटजी बनाई है,
तो हमारा लॉस जो है वो जीरो हो जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट की संभावना और भी प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं तो आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा कि किस तरह से हम प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अडॉप्ट करके स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम कर सकते हैं। तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।